नमस्कार दोस्तों, रोहित है, बीपीएससी कंसेप्ट वाला चैनल में आपका स्वागत है। और हम लोग एरोप्लेन से रिलेटेड जितने कंसेप्ट हैं, और बहुत सारे कंसेप्ट रिलेटेड टू एरोप्लेन्स हैं, उसको आज हम लोग कवर करेंगे। और बीपीएससी साइंस इन एवरीडे लाइफ से बहुत क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो वी विल मेक श्योर कि आप यू विल बी इन पोजिशन टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। अगर आप हम लोग से कनेक्ट होना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहते हैं, तो बीपीएससी क्रैकर इस पर आप मेल कर सकते हैं। ये हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे वी डू प्रोवाइड सम क्वालिटी क्वेश्चंस एंड वी डू डिस्कस दोज क्वेश्चंस। तो आज हम लोग क्या कवर करने वाले हैं, एक तो आप देखते होंगे कि जितने भी एरोप्लेन होता है वो वाइट कलर का होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई द कलर ऑफ द प्लेन इज जनरली वाइट। दूसरा हम लोग चीज़ ये देखना चाहेंगे कि जो एरोप्लेन्स होते हैं वो फ्लाई कैसे करते हैं, किस मैकेनिज्म से फ्लाई करते हैं। दैट बिकम्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन कि एरोप्लेन्स फ्लाई बिकॉज ऑफ द विच प्रिंसिपल। दूसरा बात है कि अगर आप एरोप्लेन के जो टायर्स हैं उसको देखें तो वो थोड़ा सा कंडक्टिंग होता है, क्यों ऐसा होता है, वील हैव एलैबोरेट डिस्कशन ऑन दिस। बर्ड स्ट्राइक लगातार न्यूज में चल रहा है, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, वी विल डिकोड दिस। कंसेप्ट ऑफ द ब्लैक बॉक्स, अभी आपको पता होगा कि जो CDS की मृत्यु हुई है, तो जो वो शहीद हुए हैं, तो उसमें ब्लैक बॉक्स का बहुत खोज चला। तो वी शुड बी रेडी विथ ऑल दिस थिंग्स। और हम लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन लेंगे, एक टेलीग्राम ग्रुप में हमने क्वेश्चन लिया था कि द कलर ऑफ द ब्लैक बॉक्स कैसा होता है, तो मोस्ट ऑफ द यू पीपल हैव हिट ब्लैक होता है, बट वो ब्लैक नहीं होता है ब्लैक बॉक्स का कलर, वो स्लाइटली और द ब्राइटनेस ऑरेंज कलर का होता है, क्यों होता है, विल डिकोड दिस। बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस आई विल गिव यू अ क्वेश्चन जिसका आप उत्तर कमेंट बॉक्स में हमें देंगे, और देखते हैं कि आप कितना वीडियो के मार्फत आप समझ पाए होंगे। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एक्सप्लेन बाय द बर्नौलीज प्रिंसिपल। कौन बर्नौलीज प्रिंसिपल के थ्रू जो डेली फेनोमेनन आप देखते होंगे कि एक्सप्लेन आप कर सकते हैं, जैसे आप कभी देखते होंगे कि किसी का घर का जो ऊपर वाला छत होता है वही उड़ जाता है तेज आंधी हवा में, उसको क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप क्वेश्चन देखिएगा, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। लेट अस स्टार्ट नाउ। अगर आप देखें तो जनरली जो एरोप्लेन्स होते हैं उनका कलर वाइट होता है। देयर इज अ साइंस बिहाइंड दिस, है ना, कि वाइट ही क्यों होता है उनका कलर। पहला, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वाइट कलर है, इट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर, जो सनलाइट का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। और जो काला कलर है, इट इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ द सनलाइट। इसलिए अगर आप देखते हैं कि गर्मी में आपको काला कलर का कपड़ा नहीं पहनना चाहिए, गर्मी में आपको वाइट कलर का कपड़ा पहनना चाहिए, बिकॉज इट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर, ब्लैक इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर। जब सूर्य की किरण इस पर पड़ेगा, कहाँ उड़ता है, स्ट्रेटोस्फीयर में उड़ता है, क्यों उड़ता है वो अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे अगला स्लाइड में। जब इस पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये उसको रिफ्लेक्ट करेगा, जब रिफ्लेक्ट करेगा तो अंदर जो पैसेंजर बैठे हुए हैं उनको गर्मी कम लगेगा, और यहाँ पर एयर कूलिंग सिस्टम वगैरह पे इंपैक्ट पड़ेगा। तो बिकॉज व्हाइट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर ऑफ द सनलाइट, हेंस मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन्स आर वाइट इन कलर, बट वी डू हैव द ऑप्शन ऑफ द ई, सो वी विल डिकोड मोर, राइट। अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो वाइट कलर होता है ना, ये यूजुअली फेड नहीं करता है। आप देखें तो यूजुअली ये फेड नहीं करेगा, तो उससे मामला क्या हो गया भाई, बार बार पेंट करा लेंगे भाई। मारुति अब आपका 800 नहीं है कि बार बार इसको आप पेंट करा लेंगे। अगर आप एक एरोप्लेन को पेंट कराते हैं तो दे डू पेंट इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स अ एक्सट्रीमली शाइनी सरफेस टू रिड्यूस द ड्रैग। तो आपके आल्टो की तरह नहीं है कि 10,000 रुपया में पेंट हो जाएगा, ये मिनिमम 10 करोड़ से 20 करोड़ रुपया का मिनिमम इनका खपत होता है पेंट कराने में। तो वाइट का फेड करने का टेंडेंसी बहुत कम होता है, इसलिए भी एरोप्लेन वाइट कलर के होते हैं, ताकि ये जो एक्स्ट्रा खर्च है इसको आप मिनिमाइज कर सके। एंड एरोप्लेन्स वर्क ऑन अ वेरी थिन मार्जिन, पर्टिकुलरली इन इंडिया। और अगर आप ध्यान से देखें तो ये बताओ कि अगर ये प्लेन ग्रीन कलर का होता और यहाँ पर एक छिद्र हो गया होता, एक होल हो गया होता, वो डिटेक्ट करना आसान है कि वाइट कलर में डिटेक्ट करना आसान है, तो आप ये पाएंगे कि डैमेज को डिटेक्ट करना, डैमेज को स्पॉट करना वाइट कलर में बहुत आसानी से किया जा सकता है, हेंस मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन्स आर वाइट इन कलर। दूसरा चीज अगर आप ध्यान से देखें तो वाइट के केस में अगर आप देखेंगे तो वाइट का कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे फोटो डालना है तो आप देखिएगा कि बहुत लड़का उसको पहले पिक्चर को एडिट करेगा, कंट्रास्ट सेट करेगा, सेचुरेशन सेट करेगा, टेम्परेचर सेट करेगा, लड़की लोग ज़्यादा अच्छा रिलेट कर सकती है। तो एक होता है विजिबिलिटी और एक होता है कंट्रास्ट। अगर आप देखेंगे उसमें शार्पनेस कितना है, कंट्रास्ट इज मोर रिलेटेड टू द डेप्थ ऑफ इमेज, कि उसकी कितनी क्लैरिटी है। तो जब
उजला कलर का आप देखेंगे तो जब शाम वाम के समय में देखेंगे तो उजला कलर जब बैकग्राउंड के साथ आप लेते हैं तो उसका कंट्रास्ट बहुत शार्प होता है, और जब कंट्रास्ट बहुत शार्प होता है तो ऑर्निथोलॉजिस्ट वगैरह का कहना है कि वाइट कलर का इतना अच्छा कंट्रास्ट होता है कि बर्ड को बहुत आसानी से दिखता है, और जब बर्ड को बहुत आसानी से दिखता है तो बर्ड स्ट्राइक जो है उसकी रेट कम हो जाती है। हेंस वाइट इज यूज बिकॉज इट इज अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर, इट फेड्स वेरी लेट एंड the white has a very good contrast which protect it from the bird strike, and the most important point is in the case of the white spotting the damage is very आसान से, बहुत आसानी से आप उसको डैमेज को स्पॉट कर सकते हैं। हेंस मोस्ट ऑफ द एरोप्लेन्स आर वाइट इन कलर, इट कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट अस गो मोर डीप, और भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आप ये अगर देखें तो ये जो पहिया है दोस्त, ये उस समय का है जब एरोप्लेन लैंड कर रहा है। जब एरोप्लेन लैंड कर रहा है तो आप क्या पाएंगे, आप देखिएगा कि यहाँ पे इतना घर्षण हो रहा है कि यहाँ पे चिंगारी नुमा स्ट्रक्चर दिखता होगा। आप दो पत्थर को अगर आप रगड़ते हैं तो देखते हैं कि चिंगारी पैदा होता है। जब हाई स्पीड से हवाई जहाज जब लैंड करेगा तो इस टर्फ पर, इस जो हेलीपैड है, जो भी आपका एयरपोर्ट है, वहाँ पर चिंगारी पैदा होता है। यूजुअली ये किस चीज़ का बना हुआ है, ये रबर का बना हुआ है। ये आप बताइए, जो चक्का बना होता है, जो आपका मारुति 800 घूम रहे हैं लेकर आप, या स्कॉर्पियो लेकर घूम रहे हैं, तो रबर का बना हुआ होता है चक्का। रबर जो है, ये थोड़ा सा और घुसते हैं हम लोग डिटेल में, रबर किसका नेचुरल आइसोमर है, तो आइसोप्रीन का नेचुरल पॉलीमर है। ये जो आइसोप्रीन है दोस्त, ये बहुत ही ब्रिटल होता है। ये जब ये बहुत ब्रिटल होगा तो इस कोई काम का नहीं है। ब्रिटल मतलब होता है कि टूट कर बिखर जाना, अगर आप शीशा को जमीन पर पटकेंगे तो टूट कर बिखर जाएगा, तो उसको कहते हैं ब्रिटलनेस ऑफ द मटेरियल। दिस रबर नेचुरली इज वेरी ब्रिटल, इट इज अ पॉलीमर ऑफ आइसोप्रीन। और डीप में चलो, अगर आप पॉलीमर ऑफ द आइसोप्रीन है तो आप इसको देखते हैं कि अगर इसको साइंटिफिक टर्म में लिखा जाता है 2-methyl-1,3-butadiene, ठीक है, ब्यूटाडाइन। बट दिस नेचुरल रबर इज ब्रिटल, दिस ब्रिटलनेस इज साफ फॉर रबर। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी स्टार्ट एडिंग सल्फर टू दिस रबर, एंड दिस सल्फर इज प्रोवाइडिंग द क्रॉस लिंक टू दिस नेचुरल पॉलीमर और द नेचुरल रबर, एंड दिस क्रॉस लिंकिंग ऑफ द सल्फर एट अ हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज द वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। ये हमने पहले बता रखा है, इट इज कॉल्ड एज द वल्कनाइजेशन ऑफ द रबर। जो हम लोग टायर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो होती हैं, वो सल्फर का कंटेंट कितना इस्तेमाल करती हैं, तकरीबन 5% इस्तेमाल करती हैं। उसके इस्तेमाल करने से क्या होता है, उसके ब्रिटलनेस पर काबू पाया जाता है, एंड दैट मटेरियल बिकम्स द मटेरियल ऑफ द यूज इन आवर डेली लाइफ। बट और ध्यान से अगर तुम देखो तो आप ये पाओगे कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द रबर, रबर इज एन इंसुलेटर, इट इज नॉट अ गुड कंडक्टर, रबर एक इंसुलेटर है। और अब यहीं से हम लोग दूसरी चीज की तरफ घुसना स्टार्ट करते हैं कि जब रबर इंसुलेटर है तब क्या हो रहा है। अगर रबर इंसुलेटर है और इतने फोर्स से टकराएगा जमीन पर तो क्या होगा, इस घर्षण के कारण, इस फ्रिक्शन के कारण चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। जब चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, अगर आप ऊपर ध्यान से देख रहे हैं तो ऊपर क्या है, ऊपर एक कंडक्टिंग मटेरियल है, ऊपर एक कंडक्टिंग मेटल है, यहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया। जब चार्ज का एक्यूमुलेशन हो गया तो एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, एक ईएमएफ क्रिएट हो गया। जब ईएमएफ क्रिएट हो गया तो क्या हो गया, एक बहुत ही एक यू आर क्रिएटिंग अ वेरी फर्टाइल ग्राउंड फॉर स्पार्क, और स्पार्क होगा, इट कैन डैमेज योर एरोप्लेन। इसीलिए क्या किया जाता है कि वी एड सम मटेरियल्स विच मेक द टायर कंडक्टिंग। इसलिए इस दिमाग से हम लोग को निकल जाना है कि जो टायर जो एरोप्लेन में यूज होता है, अपना आल्टो का टायर मत आकर लगा देना, और ब्रेजा और स्कॉर्पियो का टायर मत लगा देना कि ये भी तो टायर है, ये भी चलेगा, वो टायर नहीं लगता है भाई मेरे भाई। द टायर विच इज यूज इन द एरोप्लेन इज मेड स्लाइटली कंडक्टिंग कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन, कि द टायर विच आर यूज इन द एरोप्लेन इज हाईली कंडक्टिंग, इट इज एन इंसुलेटर, स्लाइटली कंडक्टिंग एंड कैन बी एनीथिंग, इट इज अ स्लाइटली कंडक्टिंग इन द नेचर। और जो हम लोग कार वार में यूज करते हैं वो क्या होता है, दैट इज एन इंसुलेटर, दैट इज नॉन कंडक्टिंग इन द नेचर, बट द एरोप्लेन में जो इस्तेमाल होता है दैट इज स्लाइटली कंडक्टिंग इन द नेचर। व्हाई, क्योंकि ऊपर में उसका मेटल के साथ कॉन्टैक्ट होता है बहुत फास्टली। जब उस पर स्ट्राइक करता है, जब हेलीपैड पर स्ट्राइक करेगा, एरोप्लेन वाले पोर्ट पर स्ट्राइक करेगा, तो एक चार्ज का एक्युमुलेशन होगा। जब कंडक्टिंग होगा तो क्या होगा, चार्ज को डिसिपेट कर देगा, चार्ज का विस्तार कर देगा। जब चार्ज का विस्तार होगा तो एक्युमुलेशन ऑफ द चार्ज नहीं होगा, और आपको पता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ द चार्ज जो है वही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। यहाँ पर चार्ज एक्यूमुलेट करेगा तभी जाकर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो करंट का फ्लो हो जाएगा और स्पार्क जनरेट हो जाएगा। तो ये कारण है जिसके कारण जो एरोप्लेन के टायर्स होते हैं दे आर स्लाइटली कंडक्टिंग।
नाउ लेट अस मूव मोर। अब थोड़ा सा ज्योग्राफी वाला एरिया में घुसेंगे, ये हवाई जहाज उड़ता कहाँ है। देखो अप टू 18 किलोमीटर की जो ऊंचाई होती है जमीन के सरफेस से लेकर 18 किलोमीटर तक जो ऊंचाई होती है इसको आप बोलते हो दो ट्रोपोस्फेयर। जो ये ट्रोपोस्फेयर होता है यहीं पर आपका बादल बनता है, यहीं पर आपका आंधी और अंधड़ चलता है, यहीं पर जितने भी क्लाइमेटिक चेंजेज होते हैं गर्मी जाड़ा बरसात सारा चीज हैपेंस इन द ट्रोपोस्फेयर। एबव द ट्रोपोस्फेयर एंड फ्रॉम द 18 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर इज अ लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर विच इज कॉल्ड एज द स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर में क्लाउड फॉर्मेशन नहीं होता है। जो ये बादल आप देखते हैं कि घूमड़ घूमड़ के जो बादल अंगड़ाई लेता है और आपको पकौड़ी खाने का मन करता है, वो सारा चीज जो फेनोमिनन हो रहा है वो ट्रोपोस्फियर में हो रहा है। स्ट्रेटोस्फियर इज हैविंग नो क्लाउड। जब स्ट्रेटोस्फियर इज हैविंग नो क्लाउड तो हवाई जहाज कहाँ उड़ता है? स्ट्रेटोस्फियर में उड़ता है, वो ट्रोपोस्फियर में नहीं उड़ेगा। इतना डिस्टर्बेंस है, इतना क्लाउड है, उसी से टकरा के वो तो खत्म हो जाएगा। तो वेयर डज द एरोप्लेन मूव? एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्ट्रेटोस्फेयर। अनदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर आप देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर में ऐसा पाया गया है कि इन द लोअर लेयर, मार्क माई वर्ड, आई एम टॉकिंग अबाउट द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज हैविंग एन आइसोथर्मल कंडीशन। अब ये मत बोलना कि आइसोथर्मल क्या होता है। आइसोथर्मल वो कंडीशन होता है जहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो एरोप्लेन का जो मटेरियल बना हुआ है वो कांस्टेंट टेम्परेचर में उसके फैटिक के चांसेस कम होते हैं, उसको फेल करने का चांस कम होता है। इसीलिए आप देखते हैं कि जो एरोप्लेन्स फ्लाई इन द लोअर लेयर, इन द लोअर लेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर, यहाँ से तो स्ट्रेटोस्फीयर 18 से 50 किलोमीटर तक भागेगा मेरे दोस्त, पर यहाँ पे जो लोअर लेयर होता है यहाँ पर आइसोथर्मल कंडीशन एग्जिस्ट होता है। क्यों होता है? ये इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है और उसको हम लोग बताएंगे जब आपको एटमोस्फेयर पढ़ाएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा कि आइसोथर्मल कंडीशन होने के साथ साथ एब्सेंस ऑफ द क्लाइमेटिक कंडीशंस लाइक द क्लाउड फॉर्मेशन एंड ऑल, देयरफॉर एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्ट्रेटोस्फीयर, एरोप्लेन डोंट फ्लाई इन द ट्रोपोस्फीयर और इन द मेजोस्फीयर और द आइनोस्फीयर। लेट्स बी वेरी क्लियर विद दिस। अब देखो हवाई जहाज उड़ता कैसे है। हवाई जहाज पे बैठ के तो खूब जाते हो दोस्त, पर हवाई जहाज उड़ता कैसे है ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर नहीं जानोगे तो दिक्कत होगा। जो मैकेनिकल इंजीनियर लोग हैं आप लोगों को मजा आ जाएगा, परमानंद का प्राप्ति हो जाएगा। देखो दोस्त हवाई जहाज उड़ता कैसे है। पहला जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं याद कर लो दोस्त कि हवाई जहाज जो है ना बर्नौली प्रिंसिपल के थ्रू उड़ता है। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। अगर नहीं भी समझ में आता है तो आप स्किप कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। और जो इंजीनियर भाई लोग हो तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है, तुमको समझना ही है। अब देखो मजा आ जाएगा। बर्नौली इक्वेशन क्या कहता है? बर्नौली इक्वेशन कहता है कि पी इज़ अ प्रेशर, रो इज़ द डेंसिटी ऑफ द एयर और द मीडियम, वी इज़ द वेलोसिटी स्पीड, रो इज़ द डेंसिटी, जी इज़ द अर्थ का गुरुत्वाकर्षण बल और हाइट मतलब कितना ऊंचाई पे आप लगा रहे हैं। बर्नौली इक्वेशन दो पॉइंट के बीच में लगता है, यहाँ और यहाँ के बीच में लग रहा है। मानते हैं कि इसकी जमीन से धरातल से इसकी ऊंचाई H1 है और इस पॉइंट की धरातल से ऊंचाई H2 है। पर अगर मानते हैं कि H1 और H2 दोनों एक ही डिस्टेंस पर है, इसका मतलब कि ये भी ऊंचाई बराबर, ये भी ऊंचाई बराबर, तो H1 इज इक्वल टू H2 हो गया। उस केस में क्या हो गया दोस्त? कहता है कि प्रेशर प्लस दिस इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। मानते हैं कि ये कॉन्स्टेंट का वैल्यू 100 है। पर अगर कहता है कि हवाई जहाज के दो बिंदु के बीच में अगर तुमको लगाना है बर्नौली का इक्वेशन, तो जमीन से अगर आप देखिएगा तो ये दोनों की ऊंचाई मोटा मोटी एक होता है, तो हाइट बराबर है, हवा की डेंसिटी बराबर, गुरुत्वाकर्षण का बल बराबर, दो पॉइंट के बीच में बर्नौली इक्वेशन लगता है। हमेशा दो पॉइंट के बीच में लगता है, दोनों पॉइंट मोटा मोटी एक डिस्टेंस पर हैं, एक ऊंचाई पर है, मतलब हाइट बराबर, ये कॉन्स्टेंट ये भी कांस्टेंट। देखो भाई अगर गर्लफ्रेंड है और अगर गर्लफ्रेंड से तुमको शादी करना है तो जो कांस्टेंट चीज़ है उसको साइड करना पड़ेगा, उसके भाई को साइड करना पड़ेगा। तो ये जो रोजी एच है उसका भाई है, एकदम कांस्टेंट है, तुम कितना भी अच्छे रहोगे ना तो वो उसको तुम में कमी दिखेगा। तो कांस्टेंट चीज़ को साइड करो, ये गर्लफ्रेंड का भाई है इसको साइड करना है। क्यों साइड करना है? क्योंकि कांस्टेंट है, विरोध कर रहा है। अब देखो ये चीज़ हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्यों कांस्टेंट रहेगा? क्योंकि आप हमेशा एक पॉइंट के बीच में लगा रहे हैं, तो आपका इक्वेशन जो है आप आ जाएगा पी प्लस हाफ रो भी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट। अब आप यहाँ से याद रखिएगा कि बर्नौली इक्वेशन को हमने दो जब सेम पॉइंट पर लगा रहे हैं तो पी प्लस हाफ रो भी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट हो गया। अब ब्यूटी आप इसको अप्रिशिएट करना स्टार्ट करो। कांस्टेंट मानते हैं कि ये कांस्टेंट की वैल्यू 100 है। अब ध्यान से देखिए, अगर हमने कहा कि हाफ रो वी स्क्वायर की वैल्यू 80 है तो पी का वैल्यू कितना होगा? ये दोनों का मेल 100 होना चाहिए तो पी का वैल्यू 20 है।
अब हम कहते हैं कि अब 80 से ये वैल्यू घट के 70 हो गया है, तो पी को कितना होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट है 30 होना पड़ेगा। अब हम कह रहे हैं कि ये पी की वैल्यू 60 हो चुकी है, तो इसका वैल्यू कितना होगा, 40 होगा। कहने का मतलब है कि अगर एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा बढ़ेगा, मतलब अगर ये वैल्यू घट रहा होगा तो ये वैल्यू बढ़ रहा होगा, ये वैल्यू घट रहा होगा तो ये बढ़ रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा तो ये घट रहा होगा, क्योंकि दोनों को कांस्टेंट होना है। यहाँ तक बात क्लियर होगी, अब ध्यान से देखना स्टार्ट करो। हवा का एक टेंडेंसी है, हवा का टेंडेंसी है कि हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। आप अगर ज्योग्राफी में देखते होंगे तो इक्वेटर एक लो प्रेशर का जोन है, इसीलिए हवा ऐसे बहता है, क्योंकि हवा जो है हमेशा ये हाई प्रेशर का बेल्ट है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बहता है। इसीलिए आप देखते हैं कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से हवा ऐसे बहता है, इक्वेटर एक लो प्रेशर का जोन है। अब आप अप्रिशिएट करना स्टार्ट करेंगे, ये रहा आपका हवाई जहाज, ये रहा आपका डैना जिसको आप विंग्स बोलते हैं। ये जो विंग्स है इसका शेप कैसा है दोस्त, इसका शेप का नाम है एरोफॉयल, एरोफॉयल नुमा स्ट्रक्चर होता है। अब देखो हो रहा हो कैसे रहा है, यहां से इंजन चला, इंजन एक झोंस निकाला, एक झोंस से हवा जब पीछे निकला तो न्यूटन्स थर्ड लॉ के हिसाब से इस पर आगे की तरफ फोर्स लगा, हवाई जहाज आगे बढ़ना स्टार्ट किया, बहुत स्पीड में हवाई जहाज आगे बढ़ना स्टार्ट किया। जब हवाई जहाज यू मूव कर रहा है तो हवा ऐसे मूव कर रहा होगा, सहमत, जब हवा ऐसे मूव कर रहा होगा तो हवा जब ऐसे जा रहा होगा तो यहाँ पे आप देखते होंगे कि विंग्स होता है हवा का, और वो विंग्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, अगर आप ध्यान से अगली बार हवाई जहाज पे चढ़ेगा तो देखिएगा उसका एरोफॉयल नुमा स्ट्रक्चर ऐसे होता है। जब ऐसा स्ट्रक्चर होता है, अब आप एक चीज़ मुझे आप ये बताइए, जब बहुत गति से मूव कर रहा है, आप एक व्यक्ति ए है और एक व्यक्ति बी है, हम कह रहे हैं कि दोनों ए यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, बी यहाँ से स्टार्ट कर रहा है मेरे दोस्त। जब ए यहाँ से स्टार्ट करता है, हम बोलते हैं कि दोनों जो है 2 सेकंड में इस पॉइंट पर पहुँच जाओगे। ए ज़्यादा तेज मूव करेगा कि बी ज़्यादा तेज मूव करेगा, ऑब्वियसली है कि बी को ज़्यादा तेज मूव करना पड़ेगा, क्योंकि बी को 2 सेकंड में इतना दूरी तय करना है, ए को 2 सेकंड में इतना दूरी तय करना है, तो बी को चूंकि डिस्टेंस ज़्यादा है और सेम टाइम में पहुंचना है तो बी का स्पीड ज़्यादा होगा, ए का स्पीड कम होगा। अगर इस चीज़ को आप समझ लिए तो मामला खत्म हो गया। अब हम बोल रहे हैं कि हवा बहुत तेज डायरेक्शन से मूव कर रही है, क्यों, जमीन पर इंजन स्टार्ट हुआ, जब इंजन स्टार्ट हुआ तो हवा बहुत तेज डायरेक्शन में मूव किया, जब हवा बहुत तेज डायरेक्शन में मूव किया तो क्या हुआ, ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है कि ये वाला डिस्टेंस ज्यादा है, आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला डिस्टेंस है ये ज्यादा है, ये डिस्टेंस ज़्यादा है इसके तुलना में, जब इसके तुलना में ये ऊपर वाला डिस्टेंस ज़्यादा है तो सेम टाइम में हवा को मूव करने के लिए ऊपर में ज़्यादा तेज हवा मूव कर रहा होगा, ज़्यादा स्पीड से हवा मूव कर रहा होगा नीचे की बनिस्पत। अब देखिए, अब जब हवा ज़्यादा तेज यहाँ पर मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वाला वैल्यू ज़्यादा है, इसका मतलब प्रेशर का वैल्यू क्या हो गया, कम हो गया, इसका मतलब कि यहाँ जब हवा ज़्यादा तेज मूव किया तो ऊपर का प्रेशर कम हो गया, तो ऊपर का प्रेशर किसके तुलना में कम हुआ, नीचे के तुलना में कम हो गया, तो एक प्रेशर का डिफरेंशियल क्रिएट हो गया। हम आपको बताए कि हवा हमेशा क्या मूव करता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करता है। जब हवा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव किया, नीचे हाई प्रेशर है ऊपर लो प्रेशर है, ऊपर लो प्रेशर इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी ज्यादा है, क्योंकि डिस्टेंस ज्यादा, उसको ट्रेवल करना है, सेम टाइम में एक झटका में ऊपर फोर्स लगेगा और हवा में आपका एरोप्लेन मूव कर जाएगा, ऊपर उठ जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड एज द लिफ्ट फोर्स, एंड द लिफ्ट फोर्स इज द आउटकम ऑफ व्हाट, लिफ्ट फोर्स कैन बी एक्सप्लेन बाय द प्रोसेस ऑफ द बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि बर्नौली इक्वेशन कहता है कि जब इस हवा में स्पीड ज्यादा होगा तो वहां पर प्रेशर कम हो जाएगा, और हवा हमेशा हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करता है, हवा एक बार झटका मारेगा और हवाई जहाज आसमान में चला जाएगा आपका, ये कंडीशन हो गया दोस्त। अब और चीज आपको हम समझाना चाहते हैं, अब देखो आप प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, ये आपका प्लेटफॉर्म है दोस्त, और दोनों तरफ ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर राजधानी एक्सप्रेस मूव कर रहा है, जब राजधानी एक्सप्रेस यहां से मूव करता है तो राजधानी बहुत स्पीड में मूव कर रही है, जब राजधानी बहुत स्पीड में मूव कर रही है तो यहां पे क्या हो रहा है, हवा का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है। अभी हम आपको बताएं कि पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट, हवा की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो हवा राजधानी एक्सप्रेस के साथ चल रहा है बहुत हाई वेलोसिटी से जा रहा है, जब वेलोसिटी बढ़ा तो प्रेशर घटा। यहां पे आप खड़े हैं, ठीक है, तो आपकी मम्मी जो कहती है कि बेटा जब राजधानी आए तो स्टेशन से थोड़ा सा दूर हट जाओ, आप लॉजिक समझिए, आप यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर राजधानी स्पीड से मूव की, राजधानी की स्पीड के साथ हवा भी बहुत तेज़ी से मूव किया, जब हवा बहुत तेज़ी से मूव किया तो यहाँ के बनिस्पत चूँकि वेलोसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पर प्रेशर कम हो जाएगा, जब प्रेशर कम हुआ तो यहाँ के बनिस्पत यहाँ पर प्रेशर कम हो गया। हवा का टेंडेंसी क्या होता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करना, तो यहाँ पर जो व्यक्ति खड़ा है उसको खत से खींच के स्टेशन के एकदम जो रेलवे ट्रैक है वहाँ पर लाकर पटक देगा, इसलिए कहा जाता है। और मेट्रो में आप चलते हैं
तो मेट्रो में भी यही लिखा रहता है कि स्टैंड अवे फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। यही कारण है कि वो इतना स्पीड में मूव करता है कि आपको खत से खींच लेगा, क्योंकि हवा एक झटका मारेगा और आप एकदम मेट्रो ट्रैक पर चले जाएंगे। इसीलिए कारण है, एंड दिस प्रोसेस अगेन कैन बी एक्सप्लेन बाई बर्नौली इक्वेशन, है ना। इसकी उतनी ज़रूरत नहीं थी पर फिर भी बता दिए ताकि आपको फील रहे, है ना। बाकी नहीं समझ में आया होगा तो कोई दिक्कत नहीं, रट लीजिएगा बर्नौली इक्वेशन के बारे में। अब थोड़ा बर्ड स्ट्राइक के बारे में देखो यार, बर्ड स्ट्राइक लगातार न्यूज़ में चल रहा है। बर्ड स्ट्राइक अगर प्लेन को हीट करता है तो बहुत ज़्यादा उससे दिक्कत नहीं होती है, पर अगर बर्ड का स्ट्राइक इस समय हो रहा है कि ये जो इसका इंजन है जहाँ से एक एग्जॉस्ट निकलता है, अगर जाके बर्ड इसमें फंस गया और ये बहुत तेज़ से मूव करता है, जब इसमें जाके बर्ड फंस गया तो आपके पूरे इंजन को चोक कर दिया, जब पूरे इंजन को चोक कर दिया तो इंजन क्या हो गया, स्टॉप हो जाएगा। बर्ड अगर जाके बॉडी पर हीट करेगा तो उतना डैमेज नहीं क्रिएट करेगा। अगर बर्ड किसी भी स्थिति में, अगर हवाई जहाज टेक ऑफ कर रही है और बर्ड जाकर उसके एग्जॉस्ट में फंस गया जहां से वो एग्जॉस्ट निकालता है, या बर्ड जाकर उसके विंडशील में टकरा गया और विंडशील को तोड़ दिया, तो अंदर का प्रेशर कम, अंदर का प्रेशर, अगर अंदर का प्रेशर ज़्यादा है और बाहर का प्रेशर कम है तो अंदर का आदमी बाहर आ जाएगा आसमान में और फिर वो एक्सीडेंट कर जाएगा। तो बर्ड स्ट्राइक तब डेंजरस होता है जब जाकर वो कहीं फंस जाता है, उसके एग्जॉस्ट में फंस जाए, उसके इंजन फंस जाए, या उसके विंडशील को स्ट्राइक करके अगर तोड़ देता है, तब बर्ड स्ट्राइक बहुत डेंजरस हो जाता है। नहीं तो अगर उसके बॉडी वॉडी पर हिट करता है तो उतना डेंजरस नहीं होता है। पर मामला फंसता है कि जो बर्ड स्ट्राइक होता है, ये बर्ड स्ट्राइक क्यों होता है। अगर आप देखेंगे तो जो बेसिकली जो एयरपोर्ट होते हैं, वो एयरपोर्ट कहां होते हैं, शहर से दूर होते हैं। जब शहर से दूर होते हैं तो यूजुअली शहर से दूर वाला एरिया में ही आप देखते हैं कि डंपिंग यार्ड होता है। अगर दिल्ली उल्ली में देखेंगे तो वहाँ पे डंपिंग यार्ड है। जब डंपिंग यार्ड है तो वहाँ पे बहुत सारा कचरा रहेगा, बहुत सारा कचरा रहेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा, कीड़ा मकौड़ा रहेगा। जब कीड़ा मकौड़ा दोस्त रहेगा तो वहाँ पर पक्षी रहेगा उसको खाने के लिए, और वही पक्षी जो है जाकर बर्ड स्ट्राइक करता है। अगर हम आपसे पूछें कि बर्ड स्ट्राइक जब आसमान में, जब एरोप्लेन होता है तब होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता है। क्यों, आसमान में क्या, कहाँ पे उड़ता है हवाई जहाज़, स्ट्रेटोस्फीयर में, और स्ट्रेटोस्फीयर में पहुँचने की औकात ही नहीं है। स्ट्रेटोस्फीयर में तो केवल अगर कोई पहुँच सकता है तो बाज पहुँच सकता है, शाहीन पहुँच सकता है, ये सब छोटे मोटे कबूतर और ये सब का गौरैया वगैरह की औकात ही नहीं कि वहाँ तक पहुँच सके। तो कहने का मतलब है कि बर्ड स्ट्राइक कहाँ पर होता है, या तो टेक ऑफ के समय होगा या लैंडिंग के समय होगा, ठीक है। जब हवाई जहाज़ आसमान में रहेगा तब नहीं होगा। और कब डेंजरस हो सकता है, जब या तो उसके इंजन में घुस जाए या मार के जो विंडशील्ड होता है उसको मार के तोड़ दे, तभी डेंजरस है, नहीं तो बॉडी वॉडी पे टकराएगा तो उतना डेंजरस नहीं है। दूसरी बात आप देखते हैं कि जो एयरपोर्ट होते हैं वो शहर के बाहर होते हैं, और जब शहर के बाहर होते हैं तो वहाँ पर खेत और खलिहान होता है। जब खेत और खलिहान होता है तो बारिश के सीज़न में आप देखेंगे कि यहाँ पर फसल लगे होते हैं, और जब अगर मानते हैं कि चावल वावल का फसल है तो यहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, और पानी इकट्ठा होगा तो यहाँ पे इंसेक्ट रहेगा, इंसेक्ट रहेगा तो फिर बर्ड्स आएंगे उसको खाने के लिए, और यही बर्ड स्ट्राइक का कारण बनता है। इसके लिए सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं कि एक हूटर टाइप का सिस्टम लगाया है जो बहुत जोर से आवाज़ करता है और पक्षी इरिटेट होकर भाग जाता है, उस तरह के प्रावधान हो रहे हैं। पर हम आपको इस प्रीलिम्स के लिए बस इतना बताना चाहते थे कि जब भी बर्ड स्ट्राइक होता है या तो टेक ऑफ के समय यूजुअली होगा या लैंडिंग के समय होगा दोस्त, और बाकी समय नहीं होगा। अब हम लोग ब्लैक बॉक्स पे आएंगे, और ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप लोग बहुत लोग गलत किए हैं। देखो ब्लैक बॉक्स है क्या, पहली बात तो हमें ये बताओ कि ब्लैक बॉक्स है क्या। पहली बात आप ये याद रखिए कि ब्लैक बॉक्स जो है एक मिसनोमर है। मिसनोमर कैसे है ये हम बताएंगे। दूसरी बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ब्लैक बॉक्स का लोकेशन कहाँ होगा, पीटी में क्वेश्चन बनाया जा सकता है, ब्लैक बॉक्स का लोकेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कि यहाँ पर होगा। तो ब्लैक बॉक्स का जो दोस्त लोकेशन होता है वो हमेशा टेल के पास लोकेशन होगा। क्यों टेल के पास लोकेशन होगा, यूजुअली जो है हवाई जहाज अगर गिरेगा तो इधर से गिरेगा या साइड से गिरता है, तो टेल बचता है तो इम्पैक्ट कम होगा ब्लैक बॉक्स पे, इसलिए ब्लैक बॉक्स को आप हवाई जहाज़ के टेल में लगाते हैं। दूसरी बात, ये मिसनोमर है। क्यों मिसनोमर है, ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का होता ही नहीं है, ठीक है, तो एक मिसनोमर हो गया। क्यों ब्लैक बॉक्स फिर नाम पड़ा, देखो ब्लैक बॉक्स जो नाम पड़ा वो क्या हुआ कि वर्ल्ड वार टू के समय ब्रिटेन जो है रडार बनाना स्टार्ट किया, ब्रिटेन जो है जीपीएस सिस्टम के टूल्स बनाना स्टार्ट करता है। ब्रिटेन को अगर आप और ध्यान से देखेंगे तो ब्रिटेन मिसाइल्स बनाना स्टार्ट कर रहा है, और ब्रिटेन बहुत चीज़ ऐसे बना रहा है जैसे रेडियो
सिग्नल्स को देने वाला इक्विपमेंट बना रहा है, फिर आप देखेंगे कि वो इलेक्ट्रॉनिक नेविगेशन सिस्टम बना रहा है। जब ये सब चीज़ बना रहा है तो दुनिया को छिपाए हुए रखा हुए था, और ये सारा चीज़ को एकत्रित करके एक जगह रखता था और बोलता था कि यही ब्लैक बॉक्स है। तो ये सारे चीज़ को, रडार सिस्टम को, रेडियो फ्रिक्वेंसी को, आप कॉकपिट से बात करते हैं तो वहीं से ये सब, दिस वेयर द पार्ट ऑफ दिस ब्लैक बॉक्स विच वॉज यूज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू बाई द ब्रिटेन, और वहीं समय से नाम इसका ब्लैक बॉक्स पड़ गया है। बट द कलर ऑफ द ब्लैक बॉक्स इज नॉट ब्लैक इन कलर, इट इज जनरली ऑरेंज इन कलर। अगर आपको अभी हम बताएं कि अगर मानते हैं कि ब्लैक बॉक्स, अगर मानते हैं कि ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का हुआ, तो मानो यार कि कचरा के ढेरी में गिर गया। अगर कचरा के ढेरी में गिर गया तो ब्लैक को खोजना आसान है क्या? नहीं खोज सकते हैं। रात में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। जब रात में नहीं दिखेगा तो हमें एक ऐसा चीज़ चाहिए जिसका कंट्रास्ट ज़्यादा हो। अब बहुत लोग इसमें परेशान, आत्मा भिवग्योर से रिलेट कर रहा होगा, है ना मेरे प्रभु, भिवग्योर अलग चीज़ है, हम कंट्रास्ट की बात कर रहे हैं। कंट्रास्ट क्या होता है? मतलब कंट्रास्ट जब भी तुम देखोगे ना तो बैकग्राउंड के साथ देखते हो। जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो आप देखते हैं क्या कि आप उसको देखिएगा कि पीछे ग्रीन कलर का पर्दा लगाता है, क्यों? पर्दा के साथ उसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा होता है। अगर आप नहीं देखते हैं कि अगर लड़का लड़की है तो आप क्या बोलते हैं, ब्लू के साथ अगर व्हाइट पहनोगे पार्टनर तो कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, काला के साथ अगर तुम व्हाइट पहनोगे तो कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, ऊपर से काला काला पहन लोगे तो जीरो कंट्रास्ट है, टीटी लगोगे, है ना। तो वही कंट्रास्ट की बात होती है। जब डेब्रिस में ये पाया गया है कि जो ब्लू और सॉरी ब्राइट ऑरेंज कलर है, इसका डेब्रिस के साथ कंट्रास्ट मतलब कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अगर डेब्रिस या मतलब गार्बेज के ढेर में भी अगर ये पड़ा हुआ है तो इसका कंट्रास्ट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से चमकेगा। इसलिए जनरली वी सी दैट द ब्लैक बॉक्स जो है इट इज स्लाइटली ऑरेंज और ब्राइट ऑरेंज इन कलर, कंट्रास्ट वाला मामला है। इसमें होता क्या है दोस्त, जो इसके अंदर क्या होता है कि ढेर सारे स्टैक्स लगे हुए होते हैं। ये जो स्टैक्स किस चीज़ के लगे हुए हैं, ये मेमोरी चिप्स के स्टैक हैं। जब मेमोरी चिप्स के स्टैक हैं तो उस केस में क्या होता है कि आप कितने ऊंचाई पर आप लोग हवाई जहाज़ को उड़ा रहे हैं, हवाई जहाज़ का प्रेशर अंदर कितना है, प्रेशर बाहर कितना है, टेम्परेचर कितना है, इंजन टेम्परेचर कितना है, कूलेंट टेम्परेचर कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेमोरी चिप्स में लगातार रिकॉर्ड होती रहती हैं। जब ये सारी चीज़ें मेमोरी चिप्स में लगातार रिकॉर्ड होती रहती हैं तो अगर हवाई जहाज़ फेल कर गया तो उस केस में क्या होता है, अगर हवाई जहाज़ फेल कर गया तो हमको डायग्नोसिस करने में ज़रूरत पड़ती है कि कहाँ फेल किया, अचानक क्या फेल किया, अचानक क्या चीज़ मूव किया, ताकि हम अगली बार जो है उसको करेक्ट कर सके। इसीलिए जो आप देखते हैं कि सीधा पहला खोज होता है कि ब्लैक बॉक्स का, कि ब्लैक बॉक्स को खोजो। और जो ब्लैक बॉक्स है ना दोस्त, इसका पहले इम्पैक्ट टेस्ट होता है। ब्लैक बॉक्स बनाने से पहले इसको हम लोग बहुत मानते हैं कि 100 टन का इसको वेट दिए, 100 टन से एक दीवार में टकरा दिए और देखते हैं कि टूट रहा है कि नहीं। तो इस मटेरियल से बना होता है कि ये टूटता ही नहीं है, और ब्लैक बॉक्स जो है ये सारा पैरामीटर्स को रिकॉर्ड करता है, फ्लाइट रिकॉर्डर है, सारा इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर रहा है, जो ज़मीन से इन्फॉर्मेशन जा रहा है, जो ज़मीन से सिग्नल जा रहा है, जो ज़मीन से ऑडियो जा रहा है, वो सबको रिकॉर्ड करता है। एंड हेंस इट गिव्स द प्रॉपर एनालिसिस दैट व्हाई द एक्सीडेंट हैपेंड इन द एरोप्लेन। हेंस द ब्लैक बॉक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्लैक बॉक्स जो होता है दोस्त, इसका 2-3 चीज़, एक तो हमको बताना था कि ब्लैक बॉक्स जो है ना ब्लैक इन कलर नहीं होता है, इसलिए भी इसको हम उठाए हैं। अब आप देखिए कि जो ब्लैक बॉक्स होता है इसमें एक अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन लगा रहता है। ये क्या होता है कि ब्लैक बॉक्स में एक सेंसर लगा देता है, इसको कहते हैं अंडर वाटर लोकेटर बीकन। और ये जो है ना, ये अल्ट्रासोनिक वेव हमेशा आपको छोड़ते रहेगा, अल्ट्रासोनिक वेव, पर ये तभी ट्रिगर होगा जब ये पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा। तो क्वेश्चन बना सकता है कि अंडर वाटर लोकेटर बीकॉन जो होता है वो किस तरह का वेव मतलब रिलीज करता है, तो अल्ट्रासोनिक वेव रिलीज करता है। ये क्या होता है कि मानते हैं कि जो हवाई जहाज़ फ्लो करता है, जब उड़ता है तो वो समुद्री एरिया से भी उड़ता है, और मानते हैं कि समुद्र के पास एक्सीडेंट हो गया, और जब समुद्र के पास एक्सीडेंट हुआ तो ब्लैक बॉक्स कहाँ गिर जाएगा, समुद्र में गिर जाएगा। जब समुद्र में गिर जाएगा तो इसमें जैसे ये पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आएगा, सेंसर एक्टिवेट हो जाएगा, और सेंसर जो है अल्ट्रासोनिक वेव्स को देना स्टार्ट करेगा, और सोनार के माध्यम से आप उसको लोकेट कर पाएंगे। उस अल्ट्रासोनिक वेव का एक फ्रिक्वेंसी रहता है, और उस फ्रिक्वेंसी के साथ सोनार को क्लब किया जाता है, और जैसे ये
यहाँ पर गिरा आपका ब्लैक बॉक्स, ये तुरंत इसका ट्रिगर हो गया अल्ट्रासोनिक मैकेनिज्म, और अल्ट्रासोनिक मैकेनिज्म जो है यहाँ से आपको वेव्स देना स्टार्ट किया। आप सोनार के मार्फत से आप लोकेट कर लेंगे कि यहाँ पर इस लोकेशन पर इतना डेप्थ पर हमारा ब्लैक बॉक्स है, आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। पर ये जो अंडर वाटर लोकेटर बीकन वाला जो सेंसर है ना, ये तभी एक्टिवेट होगा जब पानी में इसका कांटेक्ट होगा। अगर पानी के साथ कांटेक्ट होगा तो नहीं, अगर पानी के साथ नहीं कांटेक्ट होगा तो नहीं ट्रिगर होगा। तो उसका बेनिफिट क्या है कि आप सोनार को ले जाएंगे, आप देखेंगे कि जो हम फलाना फ्रिक्वेंसी पे ये सेट है वहाँ पे रिलीज नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि समुद्र में या वाटर बॉडी में मेरा ब्लैक बॉक्स नहीं पड़ा हुआ है, हमारा ब्लैक बॉक्स जो है कहीं फील्ड में गिरा हुआ है, कहीं माउंटेनस पीक पे गिरा हुआ है, जहाँ भी गिरा हुआ है वो लैंड पर गिरा हुआ है, पानी में नहीं गिरा हुआ है। इसलिए ब्लैक बॉक्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर रहता है अंडर वाटर लोकेटर बीकन, और वो तभी ट्रिगर होगा जब पानी के साथ कॉन्टैक्ट में होगा। इसलिए जब हम लोग सर्च करना स्टार्ट करते हैं तो पहले सोनार को यूज करते हैं, सोनार नहीं रीड किया इसका मतलब जमीन पर ब्लैक बॉक्स गिरा हुआ है, और जमीन पर ब्लैक बॉक्स गिरा हुआ है तो ब्राइट ऑरेंज कलर का होता है, कॉन्ट्रास्ट अच्छा होता है, और उसको हम लोग लोकेट कर लेते हैं। तो हमको लगता है कि एरोप्लेन से जितने कंसेप्ट हैं उसको हम लोगों ने कवर कर लिया, और हमको लगता है कि आपको पसंद आया होगा। नहीं पसंद आने पर डिसलाइक का ऑप्शन है, पसंद आने पर इसको आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि कैसा है, और जो हमने क्वेश्चन दिया है उसको आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें उत्तर दीजिएगा, क्योंकि हम भी देखें कि आप कितना चीज़ को समझ पाए हैं, है ना। तो फिर पढ़ने और पढ़ाने में भी मज़ा है। बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय से आभार।